माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में कठिन और श्रेष्ठ माना गया है। जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार 11 फरवरी 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:54 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 फरवरी 2022 शनिवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र विषुकम्भ योग रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेगा। इस दिन राहु काल प्रातः 9:49 से लेकर प्रातः 11:12 तक रहेगा। राहु काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को शुभ मुहूर्त माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि सूर्यास्त के बाद से होती है। दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें, आर्चमन करें, स्वयं को पवित्र करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले फूल, पीले फल, पीले मिष्ठान, धूप दीप, कुमकुम, पान, अगरबत्ती आदि से करें और अंत में आरती अर्चना करें। एकादशी का व्रत पारण यानी इसको जब समाप्ति करना है वो द्वादशी की तिथि को किया जाता है। पंचांग के अनुसार जय एकादशी का व्रत का पारण 13 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर 9:15 तक किया जा सकता है। कथा इस प्रकार से है। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन उनकी पत्नी मालिनी भी वहां पे विराजमान थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती और माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को बस में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया, वे स्वर और ताल के विपरीत गीत गाने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृतलोक में जाकर वहां अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन दुखपूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर के दिन का गुजारा किया। संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को याद करते रहे। रात्रि हो गई, सोए भी नहीं। दूसरे दिन प्रातः दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच जोनी से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का स्वरूप नया रूप प्राप्त हो गया और वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिस मनुष्य ने एकादशी व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। सो ये एकादशी सभी प्रकार के पुण्य को प्रदान करने वाली है, फल को प्रदान करने वाली है और प्रभु की कृपा के पात्र बनाने वाली। इस प्रकार ये एकादशी बड़ी श्रद्धा पूर्वक रखनी चाहिए।